सभी का सक्सेस की 98 में। और आज के एग्जाम में जो दो पजल आ रहे थे वो पजल मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और सारे बच्चों से शेयर करना जिनका भी एग्जाम कल है स्पेशली। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। बोर्ड पे पजल दिया गया, देखो आप क्या बोला गया, ROPQNLM मतलब 7 पर्सन है फेस से बैठे हुए, मतलब रो में नॉर्थ में। मैंने बार बार बताया नॉर्थ फेस हो तो इधर लेफ्ट हैंड साइड, इधर क्या होता है राइट हैंड साइड, नॉर्थ फेसिंग वाले केस में, ठीक है। अब क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग टू द राइट ऑफ क्यू सेम, यानी कि क्यू के लेफ्ट में जितने पर्सन होंगे क्यू के राइट में भी उतने ही पर्सन है, जितने लेफ्ट में उतने राइट, राइट में क्यू के। तो हमारे पास टोटल बंदे है कितने, टोटल बंदे तो हमारे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्यू देखो, क्यू का एक जगह है कहां पर, 4 नंबर पर क्यू बैठेगा ना हमारा, जितने लेफ्ट में उतने राइट में। अब देखो क्या बोला गया है, मोर देन वन पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एल, क्यू और एल के बीच में एक पर्सन से ज्यादा बैठे हुए हैं, तो एल यहां बैठ नहीं सकता, यहां बैठ नहीं सकता, यहां पर भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि अगर यहां बैठाते हैं तो एक पर्सन होगा लेकिन क्यू और एल के बीच में एक पर्सन से ज्यादा है, तो एल यहां बैठ सकता है या फिर यहां बैठ सकता है। एक कंडीशन लेते हैं कि एल हमारा यहां बैठा हुआ है, या फिर एक कंडीशन लेते हैं कि एल यहां पर भी बैठा है इस केस में, ठीक है। अब देखो क्या बोला गया आपको आगे सम में, कि एन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, जो एन बैठा हुआ है ना, जो एन नाम का बंदा बैठा हुआ है वो थर्ड टू द राइट ऑफ ओ है, वो थर्ड टू द राइट ऑफ ओ है, यानी कि 1 2 3, यानी कि जो एन है वो थर्ड टू द राइट ऑफ ओ है, 1 2 3 थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। और क्या बोला गया, एक चीज देखो आपको मेंशन किया गया है कि O is not neighbor of Q, जो O है ना वो Q का अगल बगल नहीं है। तो पहले वाले केस में O यहां होगा नहीं, O यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर होगा, यहां पर भी नहीं होगा, क्यों, अगर यहां पर O पुट करते हैं तो Q के बगल में तो O आएगा नहीं, यहां पर O आएगा नहीं आएगा, यहां पर O आ सकता है, यहां पर O आएगा, यहां पर O नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहां पर O करते हैं तो थर्ड टू द राइट कौन है, N है, तो 1 2 3, तो O के लिए ऊपर वाले जगह सिर्फ ए ही है, यही पर है ना, तो N कहां बैठेगा, 1 2 3, ये हमारा कौन बैठेगा, N। अब इस केस में देखते हैं, इस केस में देखो O यहां नहीं बैठ सकता, यहां बैठ नहीं सकता, ठीक है ना, यहां पर नहीं बैठ सकता, यहां पर भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि इसके थर्ड टू द राइट कौन है, N है, तो O कहां बैठ सकता है, इस केस में O यहां बैठ सकता है। अगर O को यहां पुट करूं, सपोज करो, तो कहां पर होगा, 1 2 3, यहां कौन बैठेगा, हमारा N बैठेगा ना, अभी तक तो सब कुछ सही है। अब देखो क्या बोला गया है कि P sits second to the right of R, यानी कि R के इधर कौन होगा, P, यानी कि जो P नाम का बंदा है वो second to the right R बैठा है, यानी 1 और 2। अब देखो R और P के बीच में एक का गैप होना चाहिए, इस केस में R P कहां बैठ सकता है, यहां पर तो कहीं पर दिखाई दे रहा है R P के लिए, कहीं पर नीचे वाले केस में, तो नीचे वाला केस क्या है, गलत है। अब ऊपर में R और P का एक ही जगह बचा है, देखो जहां पर गैप, ये R होगा और ये क्या होगा, P। अब देखो आगे कंडीशन एक और बोला गया, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन N एंड M इज सेम एस M एंड L, N और M के बीच में जितने बंदे होंगे ना उतने ही बंदे M और L के बीच में होंगे, जितने भी बंदे होंगे या नहीं भी होंगे, जो भी पर्सन है वो सेम होगा दोनों के बीच में, तो M के लिए की जगह बचा है, देखो ये। अब N और M के बीच में देखो, N और M के बीच में कोई बंदा नहीं है और M और L के बीच में भी कोई बंदा नहीं है, यानी यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, तो आंसर क्या होगा, ये वाला। करने में आप 2 से 2.5 मिनट से ज्यादा मत लेना, मैं आपको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, ठीक है। सो इसको अच्छे से करना है अगर कल के एग्जाम में आपके पास आ जाए। अब देखो दिखाते हैं हमारे पास से फ्लोर पजल, ठीक है, इसको कैसे करना है। क्या बोला है, 7 नेबर एस पी एल क्यू आर एम एंड आई लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर इन द सेम बिल्डिंग हैविंग सेम फ्लोर नंबर 1 2 7। 7 फ्लोर है, द फर्स्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड द फ्लोर अबव इज नंबर 2 एंड सो ऑन, टॉप मोस्ट फ्लोर इज 7। जो सबसे टॉप फ्लोर है वो कौन है, 7 है, यानी कि 7 6 5 4 3 2 1 ये होगा ना,
ये होगा। अब कंडीशन आपको क्या बोला गया है, 3% लिव बिटवीन आई एंड एम, आई और एम के बीच में 3% है, ठीक है। चलो और क्या बोला गया, एम लिव ऑन द फ्लोर अबव एस, लेकिन जो एम नाम का बंदा है ना वो अबव फ्लोर में है, एस का इमीडिएट नहीं, कहीं पर भी हो सकता है लेकिन एम आगे है, ठीक है, ऊपर में। फिर क्या बोला है, एस के देखे बगल में कॉमा दिया गया है, मतलब एस को बोल रहा है हु डज नॉट लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, और एस ऑड नंबर फ्लोर पर नहीं है, यानी कि जो एस का फ्लोर है वो क्या होना चाहिए, इवन, यानी कि 2, 4, 6 ऐसा कुछ होना चाहिए एस का फ्लोर। फिर बोल रहा है पी डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर, पी जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होगा, यानी कि यहां पर पी नहीं होगा, ठीक है। पी डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, आई डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर, यहां पर आई भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा। फिर बोल रहा है 2% लिव बिटवीन आर एंड एस, आर और एस के बीच में 2% है, ठीक है, यहां पर 2% है, आई एम के बीच में 3% है। अब बोल रहा है क्यू लिव नाइदर ऑन द फर्स्ट फ्लोर नॉर ऑन द फोर्थ फ्लोर, यानी कि यहां पर एक नंबर फ्लोर पे पी आई क्यू नहीं होगा और चार नंबर पर फ्लोर पर भी क्यू नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बोला है, एम डज नॉट लिव ऑन सिक्स्थ एंड सेवन्थ फ्लोर, अब एम यहां पर भी नहीं होगा, एम यहां पर भी नहीं होगा। अब ये कंडीशन आपके पास था इस पजल को सॉल्व करने के लिए, फटाफट पकड़ के करना है, 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन है। अब देखो आई और एम के बीच में कितना फ्लोर है, 3 फ्लोर तो है ही पक्का, आई यहां बैठ नहीं सकता, हमारा आई यहां नहीं बैठ सकता, आई यहां, अगर आई को यहां बैठाते हैं सपोज कर लो तो एम कहां आएगा, 1, 2, 3 एम, लेकिन एम यहां पर आ नहीं सकता, यहां पर आई को पुट करते हैं तो 1, 2, 3 एम, एम यहां आ नहीं सकता। अब देखो एक बात, अब एम कहां बैठेगा, एम यहां बैठ सकता है या फिर यहां बैठ सकता है, यहां तो एम बैठ नहीं सकता, अगर एम को यहां बैठा दे तो 3 फ्लोर का गैप होना चाहिए, 1, 2, 3 यहां पर आई होगा नीचे वाले में, लेकिन नीचे वाले में आई आएगा नहीं, तो एम को कहां बैठा सकते हैं, 2 या 3 पर, अगर 2 पर एम को बैठाते हैं 2 पर तो 1, 2, 3 यहां पर कौन आएगा, हमारा आई आएगा, यहां पर हमारा आई आएगा, एम 1, 2, 3 आई, लेकिन देखो एम जो है वो ऊपर फ्लोर में है एस से, और जो एस का फ्लोर है वो ऑड नहीं होना चाहिए, वो इवन है, तो लेकिन एस यहां पर आएगा इस केस में, लेकिन वन नंबर क्या है, ऑड नंबर फ्लोर है, लेकिन एस का फ्लोर होना क्या चाहिए, इवन, तो एम यहां पर भी नहीं बैठ सकता, तो एम कहां बैठेगा, एम के लिए सिर्फ एक जगह है वो है 3 नंबर, तो आई कहां बैठेगा, 1, 2, 3, तो आई का फ्लोर क्या होगा ये। अब एस कहां बैठेगा, एम के नीचे है और इवन नंबर फ्लोर पर, तो एस हमारा यहां बैठेगा। अब और आर और एस के बीच में 2 फ्लोर है, यानी कि 1, 2, तो ये कौन सा फ्लोर हुआ हमारा, हमारा हुआ ये फ्लोर आर, ठीक है ना। अब देखो 4 फ्लोर हो गए, अब हमारे पास बचा क्या, पी आई क्यू, पी आई क्यू, और देखो यहां पर लास्ट नंबर फ्लोर पे हमारा कौन आएगा, अब बताओ एल, क्योंकि यहां पर पी आ नहीं सकता, आई आ नहीं सकता, क्यू, 4 फ्लोर ये हो गए, 5, 6, अब हमारे पास बचे कौन कौन है, पी क्यू और एल, अब 4 फ्लोर तो हो गए और पी क्यू यहां आ नहीं सकता, यानी कि 6 बंदे हो गए, अब कौन आएगा यहां पर 100% कौन आएगा, एल आएगा, अब यहां पर क्यू आ नहीं सकता तो यहां पर कौन आएगा, पी, और तो यहां पर कौन आएगा, क्यू। तो ये था आज के फ्लोर पजल का सॉल्यूशन, जो आप लोग अच्छे से देखना, अगर आप कंडीशन फटाफट लिख कर थोड़ा सा माइंड लगाते हैं ना, अगर माइंड एक बार में क्लिक कर गया ना तो 2 से 2.5 मिनट लगेगा, वरना आराम से भी करोगे तो 3 से 3.5 मिनट में बन जाएगा। बट हाँ, पैनिक मत होना और अपने ऊपर प्रेशर को हावी मत होने देना, पजल बन रहे हैं, सारे बच्चे से बन रहे हैं, पजल काफी इजी आ रहे हैं, सो अच्छे से दीजिएगा आप लोग, बेस्ट ऑफ लक सभी को।